एक घर में चार सांप निकले हैं, ये उपलो के भिटोरे में, और आज भटोला गांव में आए हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम सब इन्हें मारना चाहिए या ना मारना चाहिए? ना मारना चाहिए। क्यों ना मारना चाहिए? काट लिया तो कोई बात नहीं, ना मारना चाहिए। सही कहा, ना मारना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम फिर उसी गाँव में आए हैं जिस गाँव से चार सांप पकड़े थे और एक कुत्ता था इस गाँव में प्यारा सा। आपने देखा पहली वीडियो और बहुत अच्छे व्यूज आए, कई सारे लोगों ने अच्छी वीडियो लाइक करी है वो। तो आज हम फिर उसी गांव में आए हैं और उपलो में थोड़े से उपले हैं, उनमें दो तीन सांप बताए हैं, निकाल कर दिखाते हैं दोस्तों। उस गांव के आदमी बहुत अच्छे हैं, सांपों को मारा नहीं करते, जब भी निकलता सांप मुझे ही बुलाते हैं, पहले सांप को निकालते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक सांप दिखाई दे गया जो ये है रेड स्नेक धामिन सांप, जिसे आम भाषा में लोग घोड़ा पछाड़ जानते हैं कि घोड़ा पछाड़ सांप है। घोड़ा पछाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि घोड़े को अपनी स्पीड से पीछे कर देता है। तो ये सब झूठ है, सब मिथक है, फेंक है, ये ऐसा है नहीं। और दोस्तों, इस सांप की लंबाई काफ़ी है, 7 से 7.5 फीट, बहुत बड़ा सांप है। और इसके अंदर 3-4 सांप और हैं, वीडियो में जुड़े रहना, वीडियो देखना प्लीज। एक और और सा पकड़ लियो, मैं कौन लल्ला लो भाई, आपको पकड़ लो। अरे यार कमाल बात है, कहीं लो भाई आ जाओ। अब अच्छा रहा हूँ, ये ले लीजिए। कहाँ है? और देख रहे हैं आप दोस्तों, देखने में कितना खतरनाक और डरावना, ये भी है एक धामिन सांप। और दिखाते हैं इसकी लंबाई कितनी है। आप देख रहे हैं दोस्तों, फिर एक सांप निकला है, ये भी रेड स्नेक है धामिन सांप। और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, जैसे कि हम लोग हर दिन हर वक्त खतरा मोल लेते हैं, जान जोखिम में डाल के इन जानवरों को बचाते हैं। देख रहे हैं आप कितने बड़े साइज का धामिन सांप का जोड़ा, जिसे घोड़ा पछाड़ कहते हैं। और हर इंसान इसको जहरीला समझता है, लेकिन ये जहरीला नहीं होता, ये सांप बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, लेकिन इसके अंदर जहर नहीं होता। और इनको मारें ना, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जान बचाएं, क्योंकि किसान मित्र इसे कहते हैं फसलों को बचाने वाला सांप, सबसे ज़्यादा चूहों को खाता है। और इस सांप का मकसद नहीं है कि काट लेना, लेकिन कभी काट भी ले तो टीटी का इंजेक्शन लगवा लें और किसी झाड़ फूंक वाले पर ना जाएं, और ना ही एंटी वेनम लगवाएं इस पर। एक और निकला धामिन सांप, देख रहे हैं आप, ये भी बड़े साइज का है। और एक सांप और बताया, इसके अंदर 4 सांप दोस्तों, उसे देखते हैं कौन सा सांप है निकाल करके। आप लोग वीडियो में जुड़े रहना, और जब तक के लिए एक कमेंट तो कर दो यार, कमेंट करो चलो पहले जल्दी। देख रहे हैं दोस्तों, एक सांप और निकला, एक उपलो के बिटोरे से 4 सांप। और आज हम आए हैं गांव भटोला, जिला संभल, आदमपुर रोड के पास पड़ता है ये बसला भटोला। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले आए तो एक दीवार के अंदर 4 सांप थे, और जिस गांव में वो कुत्ता देखा होगा मैंने मेरी वीडियो पे आपने, और वो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा। कई लोगों की मांग थी कि उस कुतिया का एक पिल्ला मैं लूँ, तो मैं मेरी भी ख्वाहिश थी। और एक दिन 15 दिन बाद वहाँ से खबर आई कि ये कुतिया मर चुकी है यार, पता नहीं कैसे रात को बांधी और सुबह तक मर चुकी। बहुत प्यार मिला उस कुतिया की वजह से वीडियो पर, बहुत प्यारी सी छोटी सी कुतिया थी, और थी कम से कम 50-60 किलो वज़न था उसका। कौन सा हाथ रख के बताइए? एक घर में 4 सांप निकले हैं, ये उपलो के भिटोरे में, और आज भटोला गांव में आए हैं। क्या नाम था उनका? धर्मवीर सैनी है। और ये कितने बड़े साइज की धामन है, कम से कम 7-8 फीट इसका इसकी लंबाई है। और लंबाई के कारण इंसान डरता है कि लंबे बहुत होते हैं, और ये भागता बहुत तेज है। इंसान इसे कहते हैं घोड़ा पछाड़।
और इसके काटने पे कहीं भी ना जाए, ये काट भी ले तो सीधे एक टीटी का इंजेक्शन लगवा ले जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। और आज भटो लगा हुआ है फिर, क्योंकि चार सांप यहाँ पे पहले पकड़े, चार ही आज निकले हैं, चार पहले निकले, चार ही आपके निकले हैं दोस्तों। हम इन्हें ले जाकर दूर कहीं जंगल में छोड़ देंगे, एक ही मकसद है हमारा, इंसानों को सांपों से दूर करना। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बता दें। बहुत मोटी था वैसे। एक बात बताओ तुम सब, इन्हें मारना चाहिए या ना मारना चाहिए? ना मारना चाहिए। क्यों ना मारना चाहिए? काट लिया तो कोई बात नहीं, ना मारना चाहिए। सही कहा, ना मारना चाहिए। डर तो लगता होगा। ₹50 छूने के क्या? एक किलो आटा लेके आओ। सपेरों वाली। ठीक है दोस्तों, चार सांपों को बचाया, भटोला गांव में आए हुए हैं ये इनोज भाई हैं, इन्होंने मुझे फोन किया था और चार सांपों की जान बचाई। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।